गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्वा, और उस दुर्वा को दरवाजे की दहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज, कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, सावन का बहुत ही शुभ महीना चल रहा है और कल गणेश चतुर्थी तिथि है, जिसे विनायक चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। इस दिन आप गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों, पहला उपाय लक्ष्मी प्राप्ति उपाय है। इस उपाय को करने से आपके यहाँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। तो इसमें करना क्या है, आपको एक दुर्वा लेनी है और भगवान गणेश जी को चढ़ा देनी है। कुछ देर उस दुर्वा को चढ़े रहने देना है, फिर उस दुर्वा को उठा लें और घर की जो दहलीज या चौखट होती है उस दुर्वा को वहाँ टच करा दें या छिलवा दें। उस दुर्वा को उठाकर फिर तिजोरी या जहाँ धन आप रखते हैं वहाँ रख लेना, शुभ होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा। कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ, और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो, और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे, नंदीश्वर शिवजी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को, किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों, उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे, धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा उपाय बीमारी को कम करने के लिए या उससे मुक्ति पाने के लिए है। यदि आपके गले में कोई समस्या हो तो आप यह उपाय जरूर करें। इसमें आपको करना क्या है, आपको एक दुर्वा और एक बेलपत्र लेना है और चले जाना है शिवलिंग के पास, और नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर पहले आपको शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ानी है, फिर बेलपत्र चढ़ा देना है, साथ में आपको एक लोटा जल भी ले जाना है। फिर धीरे धीरे करके उस दुर्वा और बेलपत्र जहाँ चढ़ी है उसके ऊपर लोटे से जल चढ़ाना चालू करना है, और जलाधारी के पास एक खाली पात्र रख दें या फिर अपने हाथों से उस जल को झेल कर वापस घर ले आएं, या फिर खाली पात्र में एकत्रित करके भी आप उस जल को घर ले आ सकते हैं। जो रोगी व्यक्ति है या जिसके गले में थोड़ी भी समस्या है उसे थोड़ा थोड़ा कर आधी चम्मच प्रतिदिन उस जल को देना चालू करें, उसके गले की समस्याएं या कोई भी रोग हो उसकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, तीसरा व अंतिम उपाय, गणेश चतुर्थी के दिन आपको सिंदूर का उपयोग करना है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान गणेश जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय एवं समृद्ध हो तो आप गणेश जी का पूजन करते समय उस सिंदूर से उनका तिलक करें, उसके बाद उसी सिंदूर को लेकर स्वयं का तिलक कर लें। सिंदूर को सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से जीवन सुखमय बना रहता है। हम आशा करते हैं आपको तीनों उपाय बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आए तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।